नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौधरी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPSC स्टडी कैंपस में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते ही हो कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में एग्जैक्टली आखिर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इसको मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझिए कि मनी बिल और फाइनेंस बिल को अच्छे से समझने के लिए, उसका डिफरेंस जानने के लिए उनको समझना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसको इसके डिफरेंसेस के साथ साथ आप मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या है इंडिया में, वो सारा कुछ इसके बारे में जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मनी बिल पहले देखते हैं, सबसे पहले कि मनी बिल क्या होता है। ठीक है, फिर साथ में फाइनेंशियल बिल देखेंगे और वहीं से डिफरेंसेस नज़र आने लगेंगे। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता ही है कि उसी में मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 110 में यहाँ पर डिफाइन किया गया है मनी बिल को, और ये कहता है इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कोई भी ये आर्टिकल 110 कहता है कि कोई बिल जब मनी बिल माना जाएगा, जब इसमें क्या होगा ओनली, ठीक है, ओनली का मतलब केवल ये जो प्रोविजंस नीचे दिए हुए हैं, इन प्रोविजंस में से कोई एक या उससे ज्यादा के बारे में अगर बात की जाएगी तो वही मनी बिल कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं ये इसी आर्टिकल में डिफाइन किए हुए हैं, मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कोई टैक्स है ठीक है उसको लगाना, ख़त्म कर देना, रेमिशन मतलब थोड़ा सा कम कर देना, चेंज कर देना, ऑल्टरेशन या उसको रेगुलेट करना, अगर इससे रिलेटेड कोई बिल आएगा तो हम कह सकते हैं कि वो मनी बिल है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे प्रोविजंस हैं, इनको भी एक बार थोड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि जब ही हम इनको दोनों को समझ पाएंगे। दूसरा है द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो मनी बोरो करती है उसका रेगुलेशन अगर हो रहा है किसी बिल के द्वारा तो वो भी किस में आएगा, मनी बिल में। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपको पता है ये तीन फंड हैं हमारे यहाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड, तो इनमें से अगर कस्टडी की बात आती है मतलब उसके रखरखाव की, मेंटेन करने की, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266(1) में दिया हुआ है और कंटिजेंसी फंड जो है वो 267 में दे रखा है। द पेमेंट ऑफ मनी इन टू और विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड, और अगर इन दोनों फंड में से किसी का पेमेंट, किसी से पेमेंट किया जा रहा है या पैसे निकाले जा रहे हैं तो वो भी आर्टिकल 110 के अंडर ही आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज आएंगे, एक इसकी कस्टडी और एक ये। उसके बाद में देखिए डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह के खर्चे बता रखे हैं, ठीक है, चार्ज ऑन और चार्ज फ्रॉम, तो वो आगे भी किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में। तो कुछ खर्चे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो चार्ज ऑन किए जाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जब इन पे जो पैसा पास कराना होता है तो इस पे वोटिंग नहीं होती, ये मान के चलिए कि इस पैसे को कम ज़्यादा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जैसे जजेस वजेस की तनख्वाह वगैरह सारा कुछ चार्ज ऑन होता है, तो अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर को चार्ज ऑन डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर उसके जो पहले से जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन ही हैं उनके अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज करते टाइम पे वो बिल भी आर्टिकल 110 के अंडर ही आएगा। और एक और चीज़, रिसीट्स ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ, इन अकाउंट्स पे मनी रिसीट करना, ठीक है, आना कौन कौन से पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, आर्टिकल हमने देख ही लिया 266(1), द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266(2), या द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन या स्टेट, अगर यूनियन या स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट की अगर बात आएगी तो वो भी आर्टिकल 110 के अंडर में ही आएगा। नीचे लिखा हुआ है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर स्पेसिफाइड अबव,
अब अगर ये जो ऊपर जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, कोई इंसिडेंटल कोई नई चीज आ जाती है अचानक से इन मैटर से रिलेटेड, ये जो पांच छह जो अभी हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड, तो वो भी किस में आएगा? आर्टिकल 110 के अंडर में ही आएगा। ठीक है, अब इनको याद रखना, मैं जब भी आगे बोलूंगा तो ये वही पांच छह प्रोविजन जब कहता हूं तो इन्हीं की बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ एवर द मनी विल इज नॉट डीम्ड टू बी मनी विल बाई रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर। अब कुछ यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी देख लेते हैं कि कभी कभी क्या लगता है कि यार ये चीज़ तो मनी विल में आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ केवल और केवल इन चीजों की वजह से होने से ही बिल जो है मनी बिल नहीं कहलाएगा। जैसे द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, फाइन्स लगा दिए, या कोई अलग अलग से अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज लगा दी, द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है किसी लाइसेंस के लिए फीस वगैरह, या फी फॉर सर्विस रेंडर्ड, या कोई सर्विस प्रोवाइड की गई उसके लिए फी, द इम्पोजिशन लगाना, एबोल्यूशन खत्म करना, ठीक है रेमिशन ऑल्ट्रेशन चेंजेस वगैरह जो भी रेगुलेट करने हैं किसी टैक्सेस के, बाई एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी ऑफ बॉडी फॉर लोकल पर्पज। ठीक है, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एज इट इज आप याद रख लेना। अगर ये इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन है, ठीक है, और केवल इनसे, यहाँ पे ये ओनली जो वर्ड लगा हुआ है यही बहुत टेक्निकल है, इसी को याद रखना। अगर केवल इन तीन प्रोविजन से ही रिलेटेड कोई चीज है तो जरूरी नहीं है कि वो मनी विल होगा। ठीक है, केवल ये है तो मनी विल वो नहीं होगा, ये अलग बात है कि इससे अलग वो जो पांच छह प्रोविजन हमने पढ़े थे उनकी कोई बात की गई है तो मनी विल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी विल और नॉट, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है कि यार क्या ये बिल मनी विल है या नहीं है, तो इसमें आपको पता ही होगा जिन लोगों ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनका डिसीजन इसमें फाइनल होता है, वही डिसाइड करते हैं, वही अपना इसको एंडोर्स करते हैं कि ये क्या है मनी बिल है, और इनका डिसीजन फाइनल होता है, इस पर कोई भी क्या नहीं होता, कोई कोर्ट का रिव्यू वगैरह भी नहीं होता है। हिज डिसीजन इन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना तो पार्लियामेंट में ही इनके क्वेश्चन को आप डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हो, ना आप कोर्ट जा सकते हो इस डिसीजन के खिलाफ। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल पावर है इनकी, यही स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है यही इसको डिसाइड करते हैं। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशंस एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द स्पीकर एंडोर्स इट एज अ मनी बिल। देखिए मनी बिल अभी हम आगे देखेंगे, मनी बिल हमेशा ओरिजिन होता है उसका लोकसभा से, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है वो, उसके बाद में वो रिकमेंडेशंस के लिए ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा को। तो उस तो जब ट्रांसमिट किया जाता है उसके बाद तो क्या होता है कि स्पीकर अपना एक तरह से ये मान के चलिए अपनी सील या सिग्नेचर टाइप का उस पर लगा के भेजते हैं कि भाई ये मनी बिल है, उन्होंने जो कह दिया कि ये मनी बिल है तो मतलब ये मनी बिल है। ठीक है, अब थोड़ा प्रोसीजर देखते हैं कि मनी बिल के पास होने का प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जब प्रोसीजर और ये सारा कुछ जानेंगे जब ही तो पता चलेगा कि डिफरेंसेस आखिर क्या हैं फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा में ही उसको शुरू किया जा सकता है या लाया जा सकता है बिल को, मनी बिल को। ठीक है, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन चाहिए इसके लिए, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप मनी बिल नहीं ला सकते हैं। ठीक है, पहले ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और एक चीज और, ऑल मनी बिल्स आर गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाई मिनिस्टर। देखिए बिल जो होते हैं दो तरह के बिल होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल होते हैं, प्राइवेट बिल होते हैं। प्राइवेट बिल का मतलब ये है कि कोई अगर गवर्नमेंट में भी नहीं है, कोई अपोजिशन का है एमपी, तो वो भी लेकर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल है सारे के सारे मनी बिल केवल गवर्नमेंट बिल होते हैं, इसका मतलब केवल मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट एमपी चाहे गवर्नमेंट से बाहर का के हम ले आएंगे तो वो मनी बिल नहीं ला सकते हैं। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा तो उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यही पहले डिफरेंसेस होंगे,
कि राज्यसभा हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर्स, राज्यसभा की जो पावर्स हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? मनी बिल के, ठीक है। कैसे कैसे? देखो, इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। ना तो राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना उसको अमेंड, मतलब उसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकती है, ठीक है। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये सिर्फ अपनी क्या है, सिफारिशें दे सकती है उसका कुछ चेंजेस की, इनको लगेगा ये होना चाहिए तो दे सकते हैं, उसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन। एक चीज़ ये भी है कि चाहे इन्होंने उस पर मनी बिल पे कोई रिकमेंडेशन दी हो या ना दी हो, इनको 14 दिन के अंदर अंदर वो लोकसभा को दोबारा रिटर्न करना होगा बिल। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखेंगे आगे वो पास माना जाएगा, ठीक है। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस। और एक चीज़ ये भी है कि जो लोकसभा, मान लो कि राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दे दी, तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उनमें से कुछ को माने या पूरी को माने या सारे के सारे को रिजेक्ट कर दे। कोई ये बाउंड नहीं है, कोई बाध्य नहीं है इस चीज़ के लिए। 14 दिन में इसको लौटाना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे का प्रोसीजर लोकसभा में, देखते हैं। अगर लोकसभा, मानो कि राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ बदलाव जो उनको सही लगे कि यार ये सिफारिश है हमारी, तो लोकसभा ने अगर वो एक्सेप्ट कर ली तो ये मान के मान लिया जाता है कि जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। अगर लोकसभा रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर देती है तो भी बिल पास माना जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब हुआ जो जब लोकसभा से पास हुआ था ऐसा, ठीक है। मतलब राज्यसभा की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानी। और एक तीसरा कंडीशन ये है, इफ राज्यसभा डज नॉट रिटर्न, और अगर राज्यसभा रिटर्न ही नहीं करती है 14 दिन के अंदर, तो भी वो बिल पास माना जाता है कौन सी, ओरिजिनल फॉर्म में, जो लोकसभा से पास हुआ था उस फॉर्म में वो पास हुआ मान लिया जाता है। अब बात आती है कि मनी बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो गया तो वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? वो अपनी अनुमति दे सकते हैं, सहमति, ठीक है। दे ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, और जैसे ये देंगे तो वो पास माना जाएगा हर जगह से। वो विदहोल्ड भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक तरह से ना वीटो पावर जो होती है रोकने वाली की, यार कोई डिसीजन ही नहीं लिया सीधे रोक दिया तो वहीं की वहीं ख़त्म हो गया, ये काम भी कर सकते हैं ये मनी बिल के लिए। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत से इसको कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। आगे हम देखेंगे, देखो जो ऑर्डिनरी बिल हो या कोई से भी बिल हो, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपने खुद के डिस्क्रिशन पे जो बिल है उसको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, लेकिन मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था मनी बिल। अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल क्या है, ठीक है। मीनिंग देखते हैं पहले, दोज बिल्स डेट डील्स विद फिस्कल मैटर्स, जो बिल फिस्कल मैटर्स से डील करते हैं, पैसे के लेन देन से, इन चीज़ों से, दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जो खर्चा और जो रेवेन्यू राजस्व है उससे जो डील करते हैं, उन बिल्स को क्या कहते हैं? फिस्कल बिल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये मैंने आपको इसका लिटरल मीनिंग बताया, फाइनेंशियल बिल का मीनिंग क्या होता है, लेकिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज्ड द टर्म फाइनेंशियल बिल इन टेक्निकल सेंस, लेकिन इंडिया में जो टर्म फाइनेंशियल बिल यूज़ हुआ है उसका मतलब ये वाला नहीं है, उसका मतलब क्या है, थोड़ा अलग है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़े डिफरेंसेस हैं उसके आपस में, ठीक है, ये समझते हैं क्या है। इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स आर देयर, 3 तरह के फाइनेंशियल बिल इंडिया में है। उसमें पहला है मनी बिल, आर्टिकल 110 में है। दूसरा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल बिल 1, ये आर्टिकल 117(1) में है। तीसरा है फाइनेंशियल बिल टाइप 2, ये आर्टिकल 117(3) में है, ठीक है। तो बात यहां पर ये समझिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि मनी बिल भी क्या है, फाइनेंशियल बिल का टाइप है। तो हम ये कह सकते हैं दैट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल,
जितने भी मनी बिल होंगे वो सबसेट किसके हैं, फाइनेंशियल बिल के। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी मनी बिल होगा वो क्या होगा, एक फाइनेंशियल बिल होगा। लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं होगा। आप ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ये किसका है, ये फाइनेंशियल बिल का है, और इसके अंदर एक हमें बना देता हूँ छोटा सा ये मनी बिल का। ऐसे समझ लीजिए जितने भी मनी बिल हैं वो फाइनेंशियल बिल होंगे, लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल विल नॉट बी मनी बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल विच कंटेन एक्सक्लूसिवली मैटर्स इन आर्टिकल 110। इस पर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान कीजिए, इसको नोट कर लेना। केवल वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं जो कौन से मैटर्स से रिलेटेड होते हैं, वो मैटर्स से, वही जो पांच छह हमने शुरुआत में पढ़े थे जो आर्टिकल 110 में दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो ही वो मनी बिल होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली है, एक्सक्लूसिवली, ये वर्ड इसका मतलब केवल और केवल उन्हीं मैटर से। एक तो ये कि उनमें से, और उनमें से भी केवल उन्हीं से, बाहर का कोई भी क्लोज उसमें एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मनी बिल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप वन जो एक आर्टिकल 117 एक में दे रखा है। इट कंटेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें, बहुत छोटा सा, कि इसमें जो लॉज होंगे वो जो बिल होगा वो आर्टिकल 110 में जो हमने शुरुआत में जो पांच छह जो क्लोज पढ़ी थी, जो पॉइंट्स दे थे कि इस चीज़ पे मनी बिल आता है, इसमें मैटर तो वही होंगे। ठीक है, लेकिन उससे अलग कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जरूर जुड़ी होंगी, जैसे अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा नहीं होंगी तो इसका मतलब तो ये है कि वो मनी बिल हो गया, हमने पढ़ाई था अभी। लेकिन जो आर्टिकल 110 में चीज़ें दे रखी हैं वो सारी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी जिसमें हैं, उस बिल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप वन। ठीक है, एक एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक अ बिल कंटेन्स बोरोइंग क्लॉज। जैसे कोई बिल है उसमें बोरोइंग की क्लॉज है, अब बोरोइंग की क्लॉज तो हमने पढ़ी थी कि यार आर्टिकल 110 में भी होती है, बट डज नॉट डील्स एक्सक्लूसिवली विद बोरोइंग, लेकिन वो जो क्लॉज है वो केवल और केवल बोरोइंग से संबंधित नहीं है, कुछ और भी चीज़ है जिससे वो डील कर रही है, तो इसको बोलेंगे कौन सा, फाइनेंशियल बिल टाइप वन। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके भी देख सकते हो आप। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज देख लीजिए, ये जो सिमिलरिटीज मैं बता रहा हूँ, देखिए ये फाइनेंशियल बिल टाइप वन में बता रहा हूँ, टाइप टू की अलग से बात करेंगे। सिमिलरिटीज दोनों में क्या है, ये दोनों ही केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, मतलब शुरुआत दोनों की लोकसभा से ही होगी, और दोनों ही मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप वन दोनों ही कैसे हैं, जो जिसको रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की इंट्रोडक्शन से पहले। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन होने से पहले ही, लोकसभा में आने से पहले ही इसको रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, दोनों को तभी आ सकते हैं। तो ये तो मनी बिल में भी था और इसमें भी, ये सिमिलरिटीज हो गई इसमें। अब डिसिमिलरिटीज देख लो, कहाँ कहाँ नोट ये सिमिलर नहीं है। अदर प्रोविजंस लाइक ऑर्डिनरी बिल, इससे अलग, इन दोनों चीज़ों से अलग इसके जो भी प्रोविजंस होंगे वो ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेंगे। ठीक है, राज्यसभा कैन अमेंड, अब देखो राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन पहले देखा था हमने मनी बिल में राज्यसभा ना तो अमेंड कर पा रही थी ना रिजेक्ट कर पा रही थी, लेकिन इसमें अमेंड भी कर देगी, चेंजेस भी कर देंगे और रिजेक्ट भी कर सकती है। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, अमेंडमेंट्स अदर देन रिडक्शन और एबोल्यूशन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड बाई ईदर हाउस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए अगर कोई अमेंडमेंट है जो कि रिडक्शन या एबोल्यूशन ऑफ जो टैक्स है उससे अलग है, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, चाहे वो लोकसभा में आ रहा हो या राज्यसभा में, अगर अमेंडमेंट कोई वो लाना चाह रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं ला सकते, ये एक्सेप्शन जो है दोनों हाउस के लिए है। ठीक है,
अच्छा, अगर मान लीजिए डेडलॉक की कंडीशन आ गई, डेडलॉक की कंडीशन तो आप जानते होंगे, जब जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, मान लो कि एक हाउस ने पास कर दिया, एक ने रिजेक्ट कर दिया, या जो दूसरे हाउस ने जो रिकमेंडेशंस दी उसको पहला हाउस मान ही नहीं रहा है, तो ऐसी जो स्थिति है उसमें डेडलॉक कहा जाता है, मतलब बिल एक तरह से रुक गया, अटक गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपने आर्टिकल 108 पढ़ा ही होगा जॉइंट सेटिंग का, तो उसमें प्रेसिडेंट कैन समोन जॉइंट सेटिंग, प्रेसिडेंट के पावर है कि वो जॉइंट सेटिंग बुला सकते हैं, उसमें दोनों हाउसेस को एक साथ बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंस बिल में। मनी बिल में कोई भी ना डेडलॉक होती है ना जॉइंट सेटिंग की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर डेडलॉक भी हो जाती है तो जॉइंट सेटिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। ये प्रोविज़न है यहाँ पर, ये भी एक डिफरेंस हुआ। प्रेसिडेंट की बात करें अगर हम, तो कैन ऑल्सो रिटर्न, देखा जो मनी बिल में प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल बिल टाइप टू और देख लो, देखो ये यहाँ पर गलत लग गया है, ये फाइनेंशियल बिल टाइप टू होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये टाइपिंग एरर है। फाइनेंस बिल टाइप टू होगा, ये आर्टिकल 117(3) में है। इट कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। समझिए ध्यान से, जो मनी बिल में जो मैंने चार पांच चीजें शुरुआत में पढ़ी थी, जो प्रोविजंस थे, उनमें से कोई भी प्रोविजन इस बिल में नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो संचित निधि है, उसमें से खर्चा हो रहा है, और पहले जो हमने प्रोविजन पढ़े मनी बिल वाले, उनमें से वो नहीं है, तो क्या होगा, वो फाइनेंशियल बिल टाइप टू कहलाएगा, ठीक है। इस बिल की खासियत ये है, ये डिफरेंसेस हैं कि इसको हर तरह के से हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होता है हर चीज़ में, मतलब किसी भी हाउस में लाया जा सकता है ना, और वो अमेंडमेंट चेंजेस कोई भी कर सकता है, वो सारी चीज़ें, और अगर डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी तो जॉइंट सेटिंग भी बुला सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसकी ऑर्डिनरी बिल की तरह हैं, साधारण जो बिल होता है उसकी तरह हैं। लेकिन एक स्पेशल फीचर होता है इस बिल का भी, वो देख लीजिए, एक स्पेशल फीचर इसका क्या होता है, इट कैन नॉट बी पास्ड बाई ईदर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस की बात चली है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई सा भी हाउस, ठीक है, इसको पास नहीं कर सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी पास्ड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस, कब तक नहीं कर सकता है, द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल, ठीक है। जब पास करने की बात आएगी ना, तो प्रेसिडेंट जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे कि इस पर विचार करिए, वोटिंग के लिए आप करिए, जब तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की इंट्रोडक्शन के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने पहले मनी बिल और फाइनेंस बिल टाइप वन में देखा था कि रिकमेंडेशन ज़रूरी पड़ रही थी वहाँ पे, किसके लिए, बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में, लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधे ले आओ बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के। लेकिन जब कंसिडरेशन स्टेज आती है, जब वोटिंग की स्टेज होती है ना, बिल को पास या फेल करने की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि आपको रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस, कुछ इस तरह से मैंने ये भी बनाया है, आप देख सकते हो। अच्छा, इससे पहले आप टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें ज़रूर, और दूसरे ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करें वीडियो को। अभी देखो कुछ यहाँ पर देखिए, जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप वन और फाइनेंशियल बिल टाइप टू, ये भी मैंने कुछ अलग से डिफरेंसेस बना दिए, मानो किसी को बिल के बारे में अच्छे से पता है तो वो सीधे यहाँ के देख सकता है। देखिए इसका जो मैटर होगा बिल का, वो वही होगा जो आर्टिकल 110 में दे रखा है। फाइनेंशियल बिल टाइप वन का जो मैटर होगा वो होगा तो 110 वाला ही, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं होगा, मतलब केवल और केवल आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन दे रखे वो नहीं होंगे, उससे अलग भी कोई ना कोई क्लॉज होगी। टाइप टू जो है उसमें आर्टिकल 110 में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन नहीं होंगे, प्रोविजन क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन इसमें एक प्रोविजन क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहां से एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन इसका लोकसभा में ही हो सकता है, इसको भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और इसको दोनों में से किसी भी हाउस में शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, फाइनेंस बिल टाइप वन में भी रिकमेंडेशन जरूरी है प्रेसिडेंट की लाने से पहले,
लेकिन फाइनेंस बिल टाइप टू की बात करें तो कंसिडरेशन स्टेज, जब वोटिंग स्टेज होती है पास फेल करने वाली, उसी स्टेज में रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। इंट्रोडक्शन के टाइम पर कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की। यहाँ पर कोई जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं है मनी बिल में, लेकिन फाइनेंशियल बिल में और फाइनेंशियल बिल टाइप टू में वन दोनों में क्या है, जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न है। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट समोन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, देखो पहला जो मनी बिल है इसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट विजेक्ट कर सकते हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।